Hey guys, welcome back to my channel. तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू कर रही हूँ ये दोनों ही माइसेलर वाटर. ये है निविया का माइसेलर वाटर, ये है गार्नियर का माइसेलर वाटर. ये आपको 400 ml मिलता है 350 रुपीज में और ये 125 ml आपको मिलेगा 175 रुपीज में. दोनों ही मैंने नायका से लिए हैं. ये मैंने नायका स्टोर से लिया था और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था. इसके साथ हमें कॉटन पैड्स भी मिलते हैं. आई गेस हमें 20 कॉटन पैड्स इसके साथ फ्री मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं. तो ये दोनों ही माइसेलर वाटर मैं इस वीडियो में आपको ट्राई करके दिखाऊंगी, मेकअप रिमूव करके दिखाऊंगी. तो इस वीडियो में जो भी मैंने मेकअप किया हुआ है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. तो अगर आपको वो मेकअप देखना है मैंने कैसे किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस मेकअप लुक का लिंक मिल जाएगा अगर आपको देखना है कि वो मेकअप मैंने कैसे किया है. तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये माइसेलर वाटर दोनों किस तरीके से काम करते हैं. तो इस माइसेलर वाटर में लिखा है कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है. इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि बाकी स्किन टाइप्स इसको यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो ये आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन नहीं देगा, आपका मेकअप रिमूव करेगा, आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करेगा. और ये एक और चीज़ क्लेम करता है कि अगर आप इसको यूज़ करते हो अपना मेकअप रिमूव करने के लिए तो आपको अपने फेस को धोने की या और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये माइसेलर वाटर चाहिए और आपका मेकअप रिमूव हो जाएगा. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा चेक करना कि एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं. बाकी इस पर आप देख सकते हैं ये फेस, आईज और लिप्स के लिए है. इसमें कोई फ्रेग्रेंस ऐड नहीं की गई है और इसमें कोई अल्कोहल भी नहीं मिलाया गया है. ये अगर आपको 125 ml की क्वांटिटी दे रहे हैं तो आप इसको 60 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप 60 टाइम्स इससे अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं. इसका बड़ा वाला पैक भी आता है, अगर आप वो देखना चाहें तो आपको वो भी नायका पे अवेलेबल मिलेगा. काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ आपको मिल सकता है. और निविया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जब मैं उनके स्टोर पे गई तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको वाटर बेस्ड माइसेलर वाटर चाहिए या फिर आपको ऑयल बेस्ड चाहिए. मुझे ऑयल बेस्ड नहीं चाहिए था इसलिए मैंने ये वाटर बेस्ड माइसेलर वाटर वहाँ से परचेज किया है. ये क्लेम करता है कि ये 3-in-1 मेकअप रिमूवल है, ये नॉर्मल स्किन टाइप के लिए है. तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल स्किन के लिए है. तो मेरी नॉर्मल स्किन है इसलिए मैंने इसको लिया है. तो ये जो 3-in-1 मेकअप रिमूवर है ये क्लेम करता है कि सबसे पहले इट रिमूव्स मेकअप अच्छे से, उसके बाद ये जेंटली और डीपली क्लींस भी करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और रिफ्रेश करता है. तो ये थी कुछ बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी. चलिए फिर अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं जो मेकअप लुक मैंने कैरी किया हुआ है इन दोनों ही माइसेलर वाटर से मैं उसको कैसे रिमूव करती हूँ. मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इन दोनों के साथ मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी. लेट्स गेट स्टार्टेड.